नमस्कार, मैं राजेंद्र गोस्वामी हजारी टाइम्स में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं आज की क्या है खास। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करते हैं कि आप घरों पर अच्छी तरह खबरों की शुरुआत सबसे पहले ललितपुर से करते हैं, सांसद अनुराग शर्मा से करते हैं। सांसद अनुराग शर्मा ललितपुर के विकास खंड बार में आज खुद पहुंचे और वहां पर विकास कार्यों का धरातलीय निरीक्षण किया, समीक्षा की, लोगों से बात की कि उन्हें योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं। मोदी सरकार की योजनाएं 100% लागू करने हेतु सांसद अनुराग शर्मा विकास खंड बार में विकास कार्यों की समीक्षा की। लोगों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता, सांसद अनुराग शर्मा ने कहा। मोदी सरकार की योजनाओं को 100% लागू करने के लिए झांसी ललितपुर सांसद क्षेत्र के सांसद अनुराग शर्मा ने जनपद ललितपुर के विकास खंड बार में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान ग्रामीण पथ का एसोसिएशन ने डीएम बाय एसपी को सौंपा ज्ञापन। मेहरानी तहसील अध्यक्ष शिवेंद्र प्रताप सिंह भदौरिया और ललितपुर तहसील उपाध्यक्ष अभिषेक मिश्रा के परिजन के ऊपर षड्यंत्र रखकर लिखवाए गए फर्जी मुकदमे के विरोध में उत्तर प्रदेश आज प्रदेश उपाध्यक्ष श्रवण कुमार द्विवेदी के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक को जो है ज्ञापन सौंपा गया है। निष्पक्ष जांच मुकदमा खारिज करने के साथ दोषियों पर उचित कार्रवाई की मांग की गई है। जिलाधिकारी को प्रेषित ज्ञापन एसडीएम को सौंपकर नगर क्षेत्र ललितपुर में पत्रकारों की बैठक में पंडित गणेश शंकर विद्यार्थी पत्रकार भवन के ऊपर प्रस्तावित हॉल आवंटित करने की मांग की। अपर जिलाधिकारी को ज्ञापन प्रेषित कर नवीन गल्ला मंडी अवैधानिक तरीके से फैलते जा रहे अतिक्रमण को ध्वस्त करने की और मंडी सचिव के भ्रष्ट आचरण की जांच कराए जाने की मांग उठाई है। ज्ञापन देने में प्रदेश उपाध्यक्ष श्रवण कुमार द्विवेदी, जनपद जालौन, जिला अध्यक्ष शालिग्राम पांडे, जिला संरक्षक दामा प्रताप प्रसाद दुबे, जिला महासचिव सम्राट राजा एडवोकेट अभिषेक जैन अनौरा, सदर तहसील अध्यक्ष भीष्म प्रताप, मेहरौनी तहसील अध्यक्ष शिवेंद्र भदौरिया, जिला सचिव विजय सिंह सेंगर, जिला मीडिया प्रभारी शैलेंद्र पुरोहित, सैलू राजीव सिंघई मोनू, धर्मेंद्र राजा, शंकर सिंह सिकरवार, महेंद्र कुमार आदि पत्रकार शामिल रहे। मानक के विपरीत बने चबूतरे नुमा ब्रेकरों का हुआ विरोध। पीटू के नेतृत्व में कचहरी रोड स्थित चबूतरे नुमा स्पीड ब्रेकर पर बैठकर धरना एवं जंगी प्रदर्शन किया। इस मौके पर जमकर नारेबाजी की गई। ये स्वयं दुर्घटनाओं को आमंत्रण दे रहे हैं, तखत नुमा बना दिए उन्होंने, जैसे कि कोई मंच बना दी गई हो, और ये इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं आए दिन, कम से कम 50 लोग चोटिल हो रहे हैं। ना कोई वहाँ चिन्ह या कोई कलर वगैरह लगाए हुए है, ना थर्माकोल लगा हुआ है, कोई ऐसी चीज नहीं लगाई हुई है जिससे चिन्हित हो सके स्पीड ब्रेकर। और बुंदेलखंड विकास सेना जेल जाने भी तैयार है और हटाने के लिए बाध्य। पाली में यातायात माह नवंबर में पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक के निर्देश में पाली पुलिस द्वारा चलाया गया चेकिंग अभियान। इस दौरान पाली बस स्टैंड के मुख्य चौराहे पर पाली पुलिस ने लोगों को यातायात का पाठ पढ़ाया और लोगों को जागरूक किया। उन्होंने कहा कि शराब पीकर वाहन ना चलाएं, हेलमेट लगाएं तो वहीं सीट बेल्ट लगाएं तो अनफिट पाए जाने वाले वाहन स्वामियों के चालान काटे गए। पाली से हरिओम चौरसिया की रिपोर्ट। जिलाधिकारी ने कराई अधिवक्ताओं की हड़ताल समाप्त। तालबेट तहसील में बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं द्वारा उप जिलाधिकारी न्यायिक के विरुद्ध मनमाने तरीके से मुकदमे को वैधानिक आधार पर निरस्त किए जाने के विरोध में प्रदर्शन कर कार्य बहिष्कार कर दिया। में अधिवक्ताओं व किसानों ने अधिकारियों के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। अधिवक्ताओं एवं तहसील में मौजूद किसान द्वारा तहसील परिसर में उन सड़क पर उतर आए। अधिकारियों की मनमानी के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। मंगलवार को उप जिलाधिकारी श्री राम यादव ने धरने पर बैठे अधिवक्ताओं से वार्ता की, जो की सभी समस्याएं हैं उनका समाधान होगा। इस दौरान अधिवक्ताओं ने अपनी हड़ताल को समाप्त करने की घोषणा की। तालबेट में प्रदेश उपाध्यक्ष का हुआ भव्य स्वागत। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमोहन त्रिपाठी का तालबेट ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन इकाई के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। तो वही तालबेट सीएससी पर मौजूद ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के बांटा आरोप के समीप हजारिया टाइम्स के कार्यालय पर भव्य स्वागत किया गया। वही प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमोहन द्विवेदी जी आज तालबेट में आगमन पर ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन तालबेट के द्वारा स्वागत किया गया। द्विवेदी जी, संगठन के लिए क्या कहेंगे? संगठन में जो आप लोगों ने सहयोग कर रहे हैं और एकता का जो प्रदर्शन किया है उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। तालबेट हमारा यूपी में बहुत अच्छा है, जहाँ ये सब लोग एकजुट होकर के एक साथ रह करके मिल करके कार्य कर रहे हैं, ये संगठन के लिए बड़ी उपलब्धि होगी और संगठन इससे आगे बढ़ेगा। जितना लड़ जाते हैं
को ठीक करने का काम किया जा रहा है। और तालवेट के ग्राम खांदी के खांच मजरा में अज्ञात कारणों के चलते युवक की मौत। मुकेश कुशवाहा पुत्र हरजू कुशवाहा उम्र 50 वर्ष 12 बजे जैसी जानकारी मिली है खेत पर पानी देने के लिए गए थे और अज्ञात कारणों से उनकी मौत हो गई। परिजनों ने जब देर रात तक उन्हें खोजा तो देखा कि खेत पर भय अचेत अवस्था में पड़े हुए थे और उन्हें तालवेट सीएससी लाया गया जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। कोतवाल मृत कुमार मिश्र पहुंचे और पूरी तरह से जो ये मौत हुई है इसके पूरे पूरे कारणों की जाँच की जा रही है और कोतवाल मृत कुमार मिश्र हर पहलू पर नजर बनाए हुए है। मौत के कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद खुद पता लग जाएगा। हालांकि पुलिस पूरी तरह से पड़ताल में जुटी है। कोतवाल मृत कुमार मिश्र पूरी तरह से पड़ताल में जुटे हैं। सागर कलेक्शन से ही साड़ीज लेनी है मुझे, मैंने कह दिया तो बस। मम्मी मम्मी मुझे भी सिर्फ और सिर्फ सागर कलेक्शन से ही कपड़े लेने हैं। मैंने मार्केट में इनका बहुत नाम सुना है। मेन रोड तलबेहत के ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और करें 9935989591। तालवेट के रामलीला मैदान में गौ कथा का आयोजन जिसमें गाय के दूध के महत्व को बताया गया। किला होने से अपनी बुद्धि को तेज बनाता है, मेमोरी पावर को अच्छा बनाता है। जिन लोगों ने गया के दूध को महत्व को समझ लिया, दिल्ली मुंबई अहमदाबाद इसी बड़ी बड़ी सिटी में 150 रुपए लीटर गाय माता का दूध पीता है और जिन्होंने गया के महत्व को समझ लिया वो लोग बच्चों को गया का दूध पिलाते हैं। तो माता आपके दूसरे दिन वापस आपके घर के बाहर आ जाती आती है ना, किसी भाई ने रोटी खिलाई किसी बहन ने रोटी खिलाई, लेकिन भैंस को तो आप मेरे भाव ने गुलाब जामुन जिमा दो, रसगुल्ला जिमा दो, हलवा खिला दो, भैंस वापस दर्शन देने वाली नहीं है। इसलिए तो डॉक्टरों ने बताया है कि बफलो इज अ शॉर्ट मेमोरी पेशेंट, भैंस का इनबिल्ट मेमोरी सिस्टम लो जीबी का होता है, ऊपर से ऑटोमेटिक डिलीटेशन सिस्टम होता है, 3 घंटे पुरानी फाइल ऑटोमेटिक डिलीट हो जाती है, डिलीट हो जाती बिल्कुल से याद ही नहीं होता है। जिस भैंस को 3 घंटे पुरानी बात याद नहीं हो ऐसी भुलक्कर भैंसों को आदुरे आपके मोड़ा मोड़ी पियेंगे तो पढ़ाई भी याद रहने वाली नहीं है। इसलिए तो कहते हैं अक्कल बढ़िया भैंस, काला अक्सर भैंस बराबर, भैंस के आगे